जो है ना मेरा लास्ट डे था राजस्थान में, अगर ऐसा खाना खा पाया ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना। थोड़ा सा चावल डाला हूँ खाने के लिए, लोग खा रहे हैं मस्ती से देख सकते हो। कितने के लिए थे? 5000 रुपए का लिया था कैंपिंग के लिए, तो समझ सकते हो। मीम चल रहा है, बता दो थोड़ा क्या मीम चल रहा है। देखो टेंट के नीचे सब ऐसा पानी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 254। दो दिन से जो है ना मैं डे गलत बोल रहा था, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी कल रात में जहाँ पर रुका था देखा था आप लोगों ने, बारिश हुआ तो इसके वजह से जो है ना सब सामान गीला हो गया है, देख सकते हो। सुबह उठते ही सब इधर लगाना पड़ा, ये स्लीपिंग मैट, ये चादर, उधर सब कुछ। और टेंट के अंदर भी दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को क्या सीन हो रखा है। फिलहाल तो थोड़ा बहुत सूख चुका है, नहीं तो पूरा पानी इधर चला गया था, देख सकते हो। देखो टेंट के नीचे सब ऐसा पानी है। बरसात के टाइम में ना थोड़ा बहुत परेशानी है। टेंट वगैरह सब कुछ धूप में लगा दिया, और अभी जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए मस्त इधर चना फ्राई कर रहे हैं, देख सकते हो। प्याज व्याज डाल के, हल्दी ख़त्म हो गया, बिना हल्दी का चना फ्राई। चना अपना मस्त फ्राई हो चुका है, ये देख सकते हो। हम लोगों ने थोड़ा सा गिल्ला किया था कि सुबह सुबह खाएंगे, लेकिन अचानक से प्लान बन गया कि फ्राई करके खाते हैं। और देखो मौसम दोबारा बारिश जैसा कर दिया, थोड़ा सा धूप निकला था और टाइम भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। 9:30 हो गया क्या? 9:30 बज गया। चना वगैरह खा के वेट किया काफ़ी टाइम टेंट वगैरह सूखने के लिए, तो टेंट वगैरह सूखने के बाद सब कुछ पैक कर चुका हूँ। और अभी टाइम जो है ना कुछ 10:48 हो गया, देख सकते हो 11 बजने वाला है, और अब जाके राइड स्टार्ट करूँगा। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को कर चुका हूँ स्टार्ट। और यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस है कुछ 180 किलोमीटर, तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं दिल्ली। और आज का जो डेट है 28 जून 2024, और फिलहाल जिस रोड पे चल रहा हूँ ये है NH-48। सुबह से लगभग 20 किलोमीटर प्लस साइकिल चला चुका हूँ, और अभी दो भैया मिला है, देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं मस्त। तो क्या नाम है भैया आपका? गोपाल मेरा नाम है। मेरा तो अच्छा, आपका भैया? मेरा नाम सुनील भैया। अच्छा, और इस जगह का नाम क्या है? कोटपुतली। अच्छा, कोटपुतली जगह का नाम है। और यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर कितना दूर होगा? 60-70 किलोमीटर के समथिंग है। अच्छा, 60-70 किलोमीटर होगा। तो अभी मस्त ड्यू पी रहा हूँ। और भाई जो संदेश देना चाह रहे हैं उसको अमल करो और फॉलो करो, अच्छी बात है, भाइयों का संदेश बहुत अच्छा है। तो मस्त मुस्कुरा क्यों रहे मास्टर? एक ड्यू का बहुत नया ऐड चल रहा है, मीम चल रहा है, बता दो थोड़ा क्या मीम चल रहा है। भाई भैया भाई, शुक्रिया आप सभी, आप शुक्रिया भैया आप लोगों। तो चलो राइड को करते हैं कंटिन्यू। और धूप भी काफ़ी तेज़ी का निकल चुका है, ये देख सकते हो, जो बारिश वाला मौसम था ना बादल वो हट गया है। साइकिल चलाता हुआ लंच टाइम हो चुका है, और लंच बनाने के लिए एक बहुत अच्छा जगह भी मिल चुका है, ये देख सकते हो एक पेड़ है, इसके नीचे बैठ के मस्त लंच बना लेंगे। ये हाईवे जा रहा था, और उधर बाथरूम वाथरूम भी बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह धो के उधर ही टांग दिया धूप में, पानी उनी का भी सुविधा ही है, तो मस्त अभी यहाँ पर लंच बनाते हैं। खाना अपना बनना में स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो, और ये बुटीन गैस से बन रहा है। और अमृत ने जो है ना एक बहुत ही बढ़िया गैस लिया है, जब उसका यूज़ करेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे वो गैस, काफ़ी महंगा वो गैस है। कितने का लिए थे? 5000 रुपये का लिया था कैंपिंग के लिए, तो समझ सकते हो। जो मेन घर पे जो बड़ा सिलेंडर आता है ना उसका भी प्राइस उतना नहीं होता है, उसका कितना होता है? 2200 रुपए का सिलेंडर रहता है, सब कुछ मिला के कितने ऐसे 3000? हाँ, 3-4 हज़ार में मिल जाता है, और इन्होंने सिर्फ कैंपिंग के लिए 5000 रुपए खर्चा कर दिया, तो वो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। बाकी अभी खाना बनने का वेट करते हैं। खाना तो अपना मस्त बन चुका है, और यहाँ पर देखो कितना सुंदर पक्षी आया है। तो थोड़ा सा चावल डाला हूँ खाने के लिए, लोग खा रहे हैं मस्ती से, देख सकते हो।
पक्षी तो खा के चला गया, अभी जो है ना हम दोनों खा रहे हैं। ये देख सकते हो मस्त, इसे खिचड़ी बोलते हैं हम लोग। चावल दाल आलू एक साथ में उबाल लेना है नमक डाल के, मस्त बन जाता है। ऑयल वॉयल कुछ नहीं है इसमें, मिर्च उर्च कुछ नहीं है। हो सके तो थोड़ा सा घी डाल दो, फिर खाने में जो मजा आएगा ना। जीरो ट्राई करना आप लोग। जीरो ऑयल ना, जीरो ऑयल, कुछ मसाला वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो ऑयल। अगर ऐसा खाना खा पाया ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना। अरे कुछ तो हम लोग केमिकल जैसे कि पाउडर वगैरह, हल्दी, कुछ मिर्च कुछ नहीं, सिंपल जीरो ऑयल। अपना खाना तो मस्त हो चुका है, देख लो दो मेहमान और आ चुका है, इनका भी पेट भर जाएगा, ज्यादा करके बनाया था। पीना खा के थोड़ा टाइम रेस्ट लेके निकल चुका हूँ, और अभी मौसम देखो एकदम अंधेरा अंधेरा कर दिया है, लग रहा है धमाकेदार बारिश आने वाला है। का डर था वही चीज़ हो गया, ये देख सकते हो बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो एक ओवर ब्रिज के नीचे आके रुका हूँ, इधर एक दुकान मिला फास्ट फूड का, तो इधर से मस्त देख सकते हो बर्गर ले लिया, कुछ 25 रुपए का है। ओवर ब्रिज के नीचे बैठे बैठे अंधेरा होने वाला है, देख सकते हो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो ही रहा है। तो निकल चुका हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर रुकने उकने का प्रॉब्लम होगा, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा है। तो चलाते हैं और देखते हैं रहने वहने का जगह। साइकिल चलाता हुआ रात हो चुका है, टाइम जो है ना कुछ 8:56 हो रहा है, देख सकते हो। आज जो है ना थोड़ा रात में साइकिल चलाया हूँ, क्योंकि दिन भर साइकिल ही नहीं चला पाया। तो अभी एक ढाबा मिल चुका है देख सकते हो इधर, तो इधर रहने का परमिशन मांगा तो रहने का तो हो जाएगा इधर। तो अभी मस्त इधर बैठ के एडिट शेडिट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम में फिर नहा धो के खाना वाना खा लेंगे। यहाँ पर बैठ के एडिट करते करते भूख लग चुका है, तो अभी हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया, और खाने पर देख सकते हो मस्त दाल फ्राई और रोटी, और ये जो दाल है ना इतना टेस्टी है ना क्या ही बोलूं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है खाने में, एक नंबर। और रात में सोने के लिए जो है ना ये देख सकते हो मस्त खटिया दे दिया है, तो इसी खटिया में भर के मस्त सो जाएंगे। और आज जो है ना मेरा लास्ट डे था राजस्थान में, कल मैं हरियाणा में एंटर कर जाऊँगा दिल्ली में। बाकी इस ब्लॉग को यही पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ अब नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।